नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पर। कल नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इसे आपको 12 मार्च को भी याद रखना होगा कि उन्होंने शपथ 12 मार्च को ली है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 12 मार्च 2024 को शपथ ग्रहण समारोह रहा था और जेजीपी से गठबंधन टूट चुका है। भर्तियों पर ना अगर मेरी राय माना जाए ना तो भर्तियों में अब तेजी आएगी, क्योंकि नायाब सिंह सैनी चाहेंगे ये टेन्योर तो ठीक है उनको जैसे तैसे मिला है, अगले टेन्योर में वो फुल प्रूफ सीएम आना चाहेंगे। तो इतनी ज्यादा ये चाहेंगे कि भर्तियां करे। अब है ना मनोहर लाल खट्टर को ठीक है ये कह रहे हैं कि हमें लोकसभा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन ना उनका जब फीडबैक जांच किया ना तो उनका इतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया, लेकिन फिर भी हम उनको कार्यकाल की बधाई देते हैं ठीक है। लेकिन ना वो अगर चाहते ना 56-57 TGT ये भर्तियां पूरी करके ना बच्चों को बहुत बड़ा तोहफा दे सकते थे। TGT वाले बच्चे दिन रात पंचकुला ऑफिस के बाहर सो रहे हैं कितनी ठंड में, और हमारे फायर ऑपरेटर वाले बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, रिजल्ट आने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, बहुत बुरी बात है। और नायाब सिंह सैनी के बारे में आज ऐसे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि नायाब सिंह सैनी है ना सांसद है ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं है, विधायक नहीं है। और अभी है ना, और एक कोई भी सीएम है ना बिना विधायक के 6 महीने से ज्यादा सीएम नहीं रह सकता। और या तो बीजेपी ऐसा कर सकती है कि आने वाले 6 महीने में जब इनका टेन्योर पूरे होने से पहले ना 6 महीने पूरे होने से पहले चुनाव करवा ले, या इनको 20 चुनाव में या उपचुनाव में जाना होगा। और अगर है ना बीजेपी ने अपना मतलब 6 महीने के अंदर चुनाव करवाते हैं ना, तो नायाब सिंह सैनी ऐसे सीएम होंगे जो इतिहास के ऐसे सीएम होंगे जो बिना मतलब एमएलए बने ना क्या रहेंगे, सीएम रहेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है ये। अब है ना आपकी क्या राय है, भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा? भाजपा व जजपा के बीच विधानसभा के चुनाव के हुआ गठबंधन 4.5 साल बाद टूटा, यानी 6 महीने पहले ये दुष्यंत चौटाला कह रहे हमने दूसरी चाबी बनवा ली है ठीक है, ये 4.5 माह पहले ही सीएम बदलना तय हुआ था ठीक है। नाया भी क्यों, इससे ना ओबीसी बेट ब, ब, जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जाए, गठबंधन टूटा क्यों? ये अब है ना ये सीटों पर कह रहे हैं विवाद है, लेकिन ऐसा विवाद है नहीं था। नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनेगा, जजपा का अगला कदम बुधवार को दिल्ली करेंगे। सैनी बिना विधायक बने सीएम, उपचुनाव होगा या 20 चुनाव होगा, मनोहर को केंद्र में ले जाया जा सकता है और ये मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो सकता है। लेकिन ना नायाब सिंह सैनी सीएम, कंवरपाल गुज्जर जो पीछे भी थे, मूलचंद शर्मा ये भी थे, रणजीत चौटाला ये भी थे, जेपी दलाल बनवारी लाल, यानी इस मंत्रिमंडल में ना 6 मंत्रियों में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब है ना मंत्रिमंडल में अगर ये अनिल विज जी को मना लेते हैं ना तो अनिल विज जी को अच्छा पद जरूर मिलेगा, अदरवाइज है ना पद में ना एक तो दुष्यंत चौटाला का पद गया, एक मनोहर लाल खट्टर का, एक आपका यहां से अनूप धानक का, एक देवेंद्र बबली का, 4 ये पद गए हैं। तो 4 मंत्री नए आने तय हैं और 4 में से हो सकता है कि जो पुराने मंत्रियों को हटाकर 1-2 अभी, क्योंकि दारमदार किसका रहेगा, जो निर्दलियों का रहेगा, उनमें से 1-2 मंत्री देखने को मिल सकते हैं। तो 5 से 6 नई मंत्री आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा। डिप्टी सीएम भी 1 या 2 देखने को मिल सकते हैं, क्या रहेगा वो आपको अपडेट दे दी जाएगी। लेकिन भर्तियों पर ना बच्चे उदास हो रहे हैं, सर भर्ती बीच में रहेगी? अरे बीच में नहीं रहेगी, भर्ती और जोर पकड़ेगी। आपकी क्या राय है कॉमेंट जरूर करें। और दुष्यंत चौटाला है ना वो है ना इनकी क्या है, चाबी खो गई है। अब है ना ये क्या होगा, यही राजनीति है बेटा, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम विच प्लेड बाय डर्टी पीपल, यही राजनीति है। अब दुष्यंत चौटाला है ना मनोहर लाल खट्टर को आपस में गालियां देंगे, मनोहर लाल खट्टर इनको गालियां देंगे, और 4.5 साल एक ही थाली में इन्होंने क्या खाया था, खाना खाया था। और हम पागल कोई जेजीपी का बैंड डालेगा, कोई बीजेपी का बैंड डालेगा, और इनके पीछे पीछे है ना सर तक फुड़वा लेते हैं। और ये एक साथ अभी है ना इतना ये राजनीति में ये कहेंगे वो ऐसे थे वो ऐसे थे, 4.5 साल क्या कर रहे थे आप? और हम है ना बड़े मूर्ख लोग होते हैं जो है ना इनकी बातों में आ जाते हैं। और दुष्यंत चौटाला का आज भी बयान आता है कि मुझे उचाना की जनता ने ना
मतलब एमएलए बनाया, मैं उनसे पूछे उचाना की जनता से पूछा, उन्होंने कहा आप डिप्टी सीएम मत बनना, अगली बार सीएम बना देंगे और ये जनता के फैसले के बाद अगले दिन डिप्टी सीएम की शपथ ले लेती, ये राजनीति है। मैं नहीं कहता उन्होंने गलत किया या सही किया, ये राजनीति का पार्ट है, इसमें बाप बेटे का या बेटा बाप का नहीं होता है। आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट जरूर कीजिए। भर्तियों पर क्या पॉजिटिव असर आएगा या नेगेटिव असर आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।